सो आज हम लोग विनर डिजाइन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में इसके हम दो पार्ट में रिएक्शन कर देते हैं. तो एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ठीक है, तो आपका जैसे ग्रिग्नार्ड का फार्मूला आर एन जी एक्स है, तो ये आर नेगेटिव होता है. ठीक है, तो ये वर्क्स एज ए बेस भी काम कर सकता है, वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, और आपका जो है एडिशन रिएक्शन कार्बोनेट होता रहता है, और इसकी जो एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है. और फास्टर देन न्यूक्लियोफिलिक. ठीक है, तो यदि कहीं भी एसिड बेस मतलब ग्रुप आ गया तो ये उससे तुरंत रिएक्ट करता है. तो आपके जैसे एसिडिक ग्रुप H2SO4 HCl, ठीक है, RnH2, ROH, RnHr, आपका वाटर, आपका सेकेंडरी अल्कोहल, OH, या टर्शियरी अल्कोहल मान लीजिए आप. ठीक है, एसिटिलीन, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो ये आपका फटाफट रिएक्ट. तो ग्रिग्नार्ड एजेंट की इन सब सब्सटेंसेस के साथ आप रिएक्शन बनाने की कोशिश करें. ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है मतलब कोई भी एसिड ग्रुप है, मान लो आर एन जी एक्स प्लस ए एच मान लिया, क्या है आपका एसिड, यानी कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन. तो इससे रिएक्ट करके ये आपका RH प्लस MgX ए बन गया. ठीक, तो इसी तरीके से आपको यहां भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं. तो वीडियो को स्टॉप करके आप बनाइए प्रोडक्ट्स. ठीक, मैं लिख दे रहा हूं सब. यहां भी RH बनेगा प्लस MgX OH, यहां पे भी RH प्लस MgX O R डैश, यहां पे भी RH प्लस Mg OC6H5X, यहां पर भी आपका चार डैश मान लो RH प्लस Mg R डैश SH. यहां पे X आएगा, यहां पर S R डैश. ठीक है, और यहां पर RH प्लस Mg OCO R और X, ऐसे यहां भी आ जाएगा आपका RH प्लस Mg NH COR डैश कर दूं दोनों बॉन्ड आपका X. ये सारे आपके यहां पे प्रोडक्ट बनने हैं. मैं साफ लिख देता हूं ऐसा. तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इन लोग इन सब कंपाउंड्स के साथ भी इनका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए. तो यहां पर आपका मान लो ये आर डैश है, तो आर डैश एच प्लस एम जी एक्स एन एच टू बन जाएगा. यहां पर भी आर डैश एच प्लस एम जी एन एच आर एक्स बन जाएगा. यहां पर भी आर डैश एच प्लस एम जी एन आर टू एक्स बन जाएगा. यहां पर भी आर एच प्लस एक्स बन जाएगा. यहां पर भी आपका आर डैश एच प्लस एम जी एच एस फोर नेगेटिव और एक्स बनेगा. बाकी यदि इसके और भी है तो ये भी रिएक्ट करेगा. यहां भी आर डैश एच बन जाएगा. ठीक है, तो आपका जो है
मतलब कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा तो उसके साथ ऋणार्जन तुरंत ही एल्केन या जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है जो है आपका एल्काइन के साथ भी रिएक्ट करके आपका एल्केन बनाता है, साथ में एक नया ऋणार्जन बनाता है, ठीक है ना, जो आगे फिर और कंपाउंड बनाने में एल्काइन के हेल्पफुल होगा। और इनऑर्गेनिक मेटल हैलाइड के साथ भी ऋणार्जन करता है, जैसे लैड क्लोराइड के साथ टेट्राइथाइल लैड बनाता है, जिसे आप लोग टेल के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। और अब आजकल जो है पेट्रोल में यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये एंटी नॉकिंग एजेंट है और पॉल्यूशन करता है, तो पॉल्यूशन की वजह से अब हम इसे यूज नहीं करते। तो आप लोग भी देखते होंगे कि लैड फ्री पेट्रोल लिखा होता, तो वो इसी कंपाउंड से फ्री होता है, ठीक। और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ डाइल्काइल मर्करी बनाता है, और आपका जो है कैडमियम क्लोराइड के साथ डाई एल्काइल कैडमियम बनाता है, और आपका जो है सिलिकॉन के साथ टेट्रा जो है एल्काइल सिलेन बनाता है। तो इन कंपाउंड्स के साथ साथ ये और भी प्रोडक्ट बनाए गए, ठीक है, ठीक है, वो सब जगह MgXCl बन जाएगा, ठीक है, यहां भी बन जाएगा Cl प्लस Cl प्लस MgXCl, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप लोग बताइए क्या ऑप्शन होगा इस आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी ये आपको रिएक्शंस बताई गई थी, ठीक है, सभी में ऋणार्जन जो है इन सबसे रिएक्ट करके ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड बना रहा था, ठीक है, अभी आपने देखी, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू गिव न्यू ग्रिनार्टिजन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन 2-ब्यूटाइन है, 2-ट्रांसब्यूटीन है, 2-सिस-ब्यूटीन है और 1-ब्यूटाइन है, ठीक है। तो आपका देखिए एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है, तो इसके पास तो है नहीं, इसलिए ग्रिनार्टिजन इससे भी रिएक्ट तो नहीं करेगा। सिस ये देखिए ट्रांसब्यूटीन बन गई, इसके पास भी ऐसे दिखाई देने नहीं है, सिस के पास भी नहीं है, लेकिन आप 1-ब्यूटाइन देखें ये आपकी ऐसे दिखाई है, ये आपका आर MgX से रिएक्ट करेगा और RH बनाएगा प्लस MgX C3CH2CH3 इन यू ग्रिनार्ड इवेंट आपका बना।